नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है क्योंकि आज हमारे खेत में TCBT कृषि पद्धति के जनक श्री गुरुजी ताराचंद बेलजी जी का शुभ आगमन हुआ और RSS के पूर्व सरकार वह माननीय भैया जी जोशी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक अधिकारी और TCBT कृषि पद्धति से 350 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने वाले जयपुर के प्रसिद्ध किसान श्री लेखराम यादव जी और मुड़ेरा हरियाणा से श्री कृष्णन शर्मा जी का आगमन हुआ है। और गुरुजी के द्वारा बताए गए फार्मूलों का हमने अपने खरबूजे के खेत में जो उपयोग किया है और उसके जो हमें रिजल्ट मिले हैं और गुरुजी के जो तकनीक से हम खेती कर रहे हैं उसको देखने के लिए इन सबका हमारे खेत में आगमन हुआ है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है कि हम किस तरह से फार्मूला बनाते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, उनके कैसे रिजल्ट आते हैं और गुरुजी ने काफ़ी कुछ इस दौरे में बताया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कम से कम मेरे 2 लाख फार्मर हैं, वो तो पता है पूरे भारत में, लेकिन नरसिंहपुर में अभी कितने मैं कह नहीं सकता। एक इसका अच्छा लगा तो आके मैंने दिखाया, अभी दोबारा मतलब इसको मैंने बोला है यहाँ एक ट्रेनिंग रखेंगे। जो मूलभूत भैया जी का प्रश्न था हमारा भी है वही। हाँ वही, 5 साल तो विस्तारक योजना में रहा, 2005 में मैं जिद करके वहाँ गया, नाना जी देशमुख के यहाँ जिद करके। माननीय विनोद जी जो अभी क्षेत्र पर रहे वो बहुत समझाए इधर ही रहो, मैंने कहा नहीं मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ मैं 3 साल रहा और वहाँ भी पत्र लिखा स्पष्ट नाना जी देशमुख की प्राकृतिक खेती करवानी है और उसके लिए मैं निकल रहा हूँ, मुझे वही काम में इंटरेस्ट है। फिर मैंने खुद संस्था बनाई 2009 में 100 किसान को जोड़ के और कई तरह के R&D किए, मतलब जितनी भी प्राचीन साहित्य है वृक्षायुर्वेद उपवन विनोद उन सब को उनका भावार्थ अनुवाद करके वो फार्मूले बना के खुद यूज़ किए और आके अभी ये 8-10 फार्मूले में अटक गए हैं। 150 फार्मूले बनाए भैया जी और सभी फार्मूले एक्यूरेट हैं, बहुत सरल सरल, ऐसा कोई बहुत ऐसा नहीं कि कहीं से आसमान से लाना हो। अन्न द्रव्य, छाछ द्रव्य, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, बहुत सरल सरल है। और ये क्या है, रासायनिक खेती इतना बड़ा चक्रव्यूह है कि उससे निकाल लाना बड़े बड़े संस्थाओं की बस की बात नहीं है। कोई बताएं कि भी हमने 2 किसान को करवाए हैं अपन ने, लेकिन ये सब 10 साल से जो माथापच्ची किए ना उसके कारण से समझ में आ गया कि इस किसान को ऐसे खींचना, इसको ऐसे निकालना। और अपन को सफलता तभी मिलेगी जब किसान ये जो भैया जी लागत की जो बात कर रहे हैं कि मुझे लागत कितना आएगा, अपन ने कम लागत में उसको उस चक्रव्यूह से निकालने के सारे फार्मूले बनाए हैं। अपना एक नारा है भैया जी, बोना और घर जाके सोना। मैं कहता हूँ किसान काम नहीं करना, काम प्रकृति करेगी, पंचमहाभूत। लेकिन बोना और सोना के बीच में 150 फार्मूले हैं कि मिट्टी खराब है तो क्या क्या करना है उसको। तो उस कहानी में ये बच्चा है, ये 8 महीने पहले पिछले साल तरबूज लगाया था, परेशान हुआ इसलिए ये गया वो लेने, क्या यूट्यूब में गया और वहाँ इसने कौन सा फार्मूला पहला देखा था, ऊर्जा जल कैसे बनाते बताओ भैया जी को। अग्निहोत्र भस्म और 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकरी को 200 लीटर पानी में 24 घंटे रखना, उसके बाद दोनों ड्रिप से दिया जमीन और स्प्रे किया। इसको समस्या थी भैया जी खरबूज में, परेशान हो गया था। कितनी कंपनियों की दवा यूज़ किया जहर, ये बता पिछले साल, बायर का, सिंजेंटा का और इसका। ये भारत की मल्टीनेशनल कंपनियां भैया जी, सिंजेंटा का टर्नओवर कहो, मध्य प्रदेश का GDP हो, इतना बड़ा कंपनी है, उनकी इसने जहर डाला फंगीसाइड, रिजल्ट नहीं आया तरबूज में। फिर इसने ऊर्जा जल देखा और ऊर्जा जल में क्या है, केवल 100 ग्राम फिटकरी और 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, दोनों को मिलाया, पोटली को डुबाया, 12 घंटे रखा, उसके बाद स्प्रे कर दिया, क्या रिजल्ट मिला बच्चा, कंट्रोल हो गया था और उत्पादन भी अच्छा है। हाँ, वहीं के वहीं फंगस कंट्रोल हुआ। ये दरअसल काम क्या करता है, मिट्टी में जो निगेटिव ऊर्जा है उसको ख़त्म कर देता है और फंगस ख़त्म करता है। आइए चलो देखते हैं, जितने लोग बनाते हैं सब ऐसे बेसन डाल देते, दुर्गंध आता है। ये कितने दिन का बना रखा है देखिए, इसमें इसका कितना बढ़िया, मैं कोई डंडा नहीं हिलवाता क्योंकि जीवाणु बढ़ाने के लिए कोई डंडा हिलाने की ज़रूरत नहीं और अपने आप बुलबुले निकल रहे हैं और इसमें खुशबू आ रही है, इसमें कभी बदबू नहीं आएगी। जो लोग बेसन डाल देते हैं ना उसमें बदबू आती भयंकर, पड़ोसी तक को आती है। ये हो गया, दूसरा कहाँ है, ये सजीव जल, अणुजल, ये अणुजल, डंडा लाओ दिखाओ, ये अणुजल है,
ये भैया जी इसका खर्चा है 50 पैसे पर लीटर का, और इसमें 87 ऐसे है ना बेटा, नीचे पीछे जाओ चलो तुम, इसमें 87 मिनरल्स हैं, 87 जिंक मैग्नीज कॉपर निकल बोरान फास्फोरस पोटास, ये सारे मिनरल्स हैं इसमें। क्या है इसमें? है समुद्री नमक, ठीक है, और जिंक कॉपर मैग्नीज ये बाजार में नहीं मिलते, बाजार में मिलते निगेटिव वाले, तो मैं राह एफपीओ के थ्रू उपलब्ध करवाता हूँ। 2600 रुपये में मिलता है किसान को, जो 10,000 लीटर घोल बनाने में काम आता है, यानी उसका 50 पैसे पर लीटर का खर्चा है। जो जिंक है जो बाजार में नहीं मिलता उसको उपलब्ध करवाते हैं अपने एफपीओ के थ्रू, है ना, और ये बाजार में मिलते हैं तो वो थोक में खरीद के और देना। तो इसमें ये सारे मिनरल्स हैं, और क्या है आपका, नारियल का लाओ इसका जो, हाँ ना, हाँ वो है, वो बना हुआ, वो भस्म रसायन उधर है, पहले वहाँ बनता है भैया जी, फिर ये लिक्विड यहाँ आता है। ये क्या है? ये भक्षक पीएम है, निमाटोड के लिए। अभी भारत में बहुत बड़ी समस्या निमाटोड, जड़ ऐसी मोटी मोटी हो जाती है, इसका कोई केमिकल में भी कोई उपाय नहीं। निमाटोड जानते हो क्या आप में से कोई? उसका कोई उपाय है केमिकल में ऐसा कि डाले कि वो निमाटोड जो है रुकेगा? ऐसा निमेटिसाइड आए हैं ना मार्केट में, मार्केट में आए केमिकल में, ठीक है, क्या खर्चा आता है उसका निमेटिसाइड का? ये कितने रुपए में बना भैया तुम्हारा बताओ? ये हमारा 450 रुपए की एक बोतल आती है 500 ml की, और उसको फर्मेंट करते रहते हैं 2 लीटर में। कितना लीटर बना लिया अभी तक? हमने बना लिया है 600 लीटर। 600 लीटर, एक रुपए पर लीटर का खर्चा है। ये निमेटोसाइड को रोकता है, निमेटोड की प्रक्रिया को, ये बहुत, ये भी जो है खतरनाक बीमारी है। और क्या बनाए हो? वो बिल्व रसायन कहाँ है? लाओ इधर लाओ, यहाँ टंकी है। हाँ हाँ ठीक है ना, देख ले लो। ये भैया बिल्व थोड़ा हाथ में निकालो जरा, उसको सुंघाओ लोगों बताओ। ये देखो ये बेल के फल से बनाते हैं, ये हमारे पोटास की पूर्ति का स्रोत है। लाओ जरा, हाँ केवल हाथ हाथ, हाँ अभी देखिए इसका, इसकी सुगंध है ना, बायो पोटास। ये एक प्रकार का बायो पोटास है, और इतना ही नहीं, अगर ये 25-30 लीटर चला दिए ना, अभी ये किसान है 50 लीटर चलाए एक एकड़ के गेहूं में, 9 इंच बढ़ गया था गेहूं। संगरूर का किसान है संजीव शर्मा, ये समझ जाओ कि ये चला दिए तो ग्लूकोस है 97% और 0.27% पोटास है, लेकिन वो नैनो में है इसलिए बहुत इफेक्ट है उसका। ये अपन उपयोग करवाते हैं बेल का, ये और हाँ 50 किलो कैसा हो? बेल का गुड़, गुड़ डाला बस, गुड़ और बेल बस। चलिए, और जबरदस्त फार्मूला है, वैज्ञानिक जानते हैं माइकोराइजा का क्या रोल है। ये देसी माइकोराइजा अपने टेक्निक का, ये अगर डाल दिए तो अभी 3 दिन में कीले में सफेद जड़ आ गई थी। ये बहुत जबरदस्त जो है फार्मूला, इसमें 2 किलो गुड़ को उबाल, 2 किलो चावल को उबालते हैं, और पूरा जब उबल जाए भात बना के, और आधा किलो गुड़ मिला के रख देते हैं, और ये 6-7 दिन रखा रहेगा। अब इसमें से निकालो जरा एक, उसमें से, इसमें भी देखिए एक खुशबू आ रही है, ये चावल है, और ये भारत की जो आदिवासी परंपरा में ये प्रचलित थी। ये क्या करेंगे? ये इसको जो है सबको सुंगा, इसको 200 लीटर में घोलेंगे, और जैसे ही डालेंगे तो जड़ लंबी लंबी आ जाती है एकदम से जड़। केले में तो एकदम से, मतलब हमने ये 2 बांह लंबी जड़ देखी, ये चलाएंगे तो इनके खेत में जड़ आई होंगी। कितने बार डालो? भटाओ में बहुत लंबी जड़ घोलना है, भटाओ में लंबी जड़ भई थी इसी से। अब 200 लीटर पानी में घोलना है, एक एकड़ में डालना है। इसका नाम है अन्न द्रव्य रसायन, ठीक है। अब एक है हमारा भस्म रसायन, ये देखिए भस्म, खोलो जरा भैया जी, इसमें आता है 2600 का खर्चा, लेकिन अगर इसका स्प्रे के लिए बनाएंगे तो 10,000 लीटर बनेगा, 50 एकड़ में स्प्रे होगा इतना सा, और ज़मीन में डालेंगे बेसल डोज में तो 5 एकड़ में जाएगा, तो 5 एकड़ यानी 500 रुपये एकड़ का खर्चा। वो इसका वो एक हिस्सा था, 200 ग्राम 200 लीटर में 200 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे ये लगभग 7-8 अपने मुख्य फार्मूले हैं, मतलब कि जो प्राकृतिक खेती में सफल ही नहीं हो सकता। ये मेरा नहीं, ये सैकड़ों किसानों का अनुभव है, और मैं भी पिछले 10 साल में 8 साल जो भटका, मैं इसको पहले 2 किलो प्रति एकड़ डलाता था, जब 100 ग्राम डलाया पानी के साथ मिला के,
एक गणित है प्रत्याहार का अपने प्राचीन ग्रंथों में। प्रत्याहार तभी होगा जब पानी के साथ जाएगा, जैसे वो अभी इसको 100 ग्राम भस्म और 100 ग्राम फिटकर ये मिला के डाल रहे हैं, तब से रिजल्ट अपने एकदम से बढ़ गए। कितने पानी में? 200 लीटर में। 200। हाँ, ड्रिप में जालो, स्प्रे कर दो। और एक एकड़ की? एक एकड़ की। अगर आपके पास 10 एकड़ है तो 10 जगह? नहीं नहीं, ये 10 ये जो है इसको एक हफ्ते में एक एकड़ का होता है। हाँ, तो एक एक पात्र से 100 एकड़ की मिट्टी में अपन इसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसको तो जमा करके भी रख? हाँ, जमा करके रखते जाओ। एक पात्र से 100 एकड़ में अपन कर सकते हैं, फंगस भी खत्म कर सकते हैं, ग्रोथ भी दे सकते हैं, है ना। और ये कई काम करता है, कई के साथ मिला के इसको किया जाता है। ठीक है, ये अपने किसान भी, सब किसान, इवन इतना ही नहीं,